हेलो एवरीवन, मशीन टॉपिक से न्यूमेरिकल है। अ मशीन इज ड्राइवन बाय अ 100 किलोग्राम मास दैट फॉल 8 मीटर इन 4 सेकंड। कराए अ लिफ्ट अ लोड ऑफ मास 500 किलोग्राम वर्टिकली अपवर्ड टेकिंग द स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द एग्जर्ट फोर्स एग्जर्टेड बाई अ फॉलिंग मास। पहला क्वेश्चन यही है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। मास m इज इक्वल टू 100 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है? टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड दे रखा है। और कितना लोड है? लोड है 500 किलोग्राम, ठीक है। इतना दे रखा है। वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। 8 मीटर गिरता है, देखो 8 मीटर गिरता है 4 सेकंड में। 100 किलोग्राम की बॉडी है, ठीक है, 100 किलोग्राम की बॉडी है। अब आपको देखना है, फर्स्ट ऑफ कैलकुलेट करना है फोर्स एग्जर्टेड बाई द फॉलिंग मास। तो फोर्स एग्जर्टेड बाई द फॉलिंग मास कितना होगा? फोर्स एग्जर्टेड बाई द फॉलिंग मास कितना होगा? एम जी होगा। कितना होगा जी? एम जी होगा। एम और जी कितने किलोग्राम का गिर रहा है बताइए? कितने किलोग्राम का गिर रहा है? 100 किलोग्राम का गिर रहा है। किस फोर्स से गिर रहा है? एम जी से गिर रहा है। तो जी की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये कितना मिल जाएगा? 1000 न्यूटन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, वर्क डन बाय द फॉलिंग मास। दूसरा हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द फॉलिंग मास। वर्क डन बाय द फॉलिंग मास, अब ये क्या होगा? तो ये होगा फोर्स एग्जर्टेड बाय द फॉलिंग मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है ये देख लो। फोर्स mg है फॉलिंग मास का, और डिस्प्लेसमेंट कितना? 8 मीटर का हो रहा है। तो ये हो जाएगा m की, mg की वैल्यू 1000 आया है, ये डिस्प्लेसमेंट 8 है। तो ये कितना हो गया जी? 8000 जूल हो गया। ये सेकंड वाला भी आ गया, वर्क डन बाय द फॉलिंग मास इन एट से डिस्प्लेसमेंट बाई 8 मीटर, ये हो गया। तो अब यहाँ से सेकंड हो गया। थर्ड आपका क्या है? पावर इनपुट टू मशीन। तो थर्ड क्या है? पावर इनपुट टू मशीन। अब ये क्या होता है? इसका फार्मूला देखो क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है वर्क डन ऑन मशीन, मशीन पर कितना काम किया गया, और अपान टाइम होता है। और मशीन पर काम कितना किया गया है? मशीन पर आपको पता है अभी अभी कैलकुलेट किया था। और कितने सेकंड में, कितने टाइम तक का काम किया गया है? 4 सेकंड के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2000 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2000 वाट हो जाएगा, ठीक है। फिर है पावर आउटपुट ऑफ द मशीन ऑफ, कह रहा इफ इट्स इफिशियंसी इज 60%। अब अगर पावर आउटपुट कैलकुलेट करना है, यानी डी इक्वल टू पावर क्या कैलकुलेट करना है? डी में पावर आउटपुट, नहीं पहले तो ये सी हो गया पावर इनपुट हो गया, और डी है पावर आउटपुट। तो डी है पावर आउटपुट। कितना है पावर आउटपुट ऑफ द मशीन? एफिशिएंसी 60%, ठीक है। तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू, देखो इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपान कितना होता है? इनपुट पावर, इनपुट पावर। और कह रहा है कि इफिशियंसी इसकी कितनी परसेंट है? 60% है। इफिशियंसी 60% है, तो 60/100 ये हो गया इफिशियंसी। और आउटपुट हमको कैलकुलेट करना है, आउटपुट पावर कैलकुलेट करना है, और इनपुट पावर हमने कैलकुलेट कर लिया है 2000। कितना है? 2000। अब आउटपुट पावर कितना होगा बोलिए? आउटपुट पावर कितना होगा? तो आउटपुट
पावर ये हो जाएगा 60 × 2000/100। दो जीरो तो दो जीरो कैंसिल हो गया और 60 × 20 और ये हो गया 1200 वाट। इनपुट किया था हमने 2000 वाट, आउटपुट कितना मिला हमको 1200 वाट मिल गया। ठीक है, अभी एक पार्ट इसमें है कैलकुलेट करने के लिए, कह रहा वर्क डन बाय द मशीन इन 4 सेकेंड। तो चलो वर्क डन बाय मशीन। अब वर्क डन ऑन मशीन जो होता है वो इनपुट पावर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इनपुट पावर की वजह से। और वर्क डन बाय द मशीन जो होता है वो आउटपुट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? आउटपुट की वजह से होता है। तो हो जाएगा आउटपुट पावर और इनटू टाइम। याद रखना, बाय द मशीन आउटपुट पावर, ऑन द मशीन इनपुट पावर। देखो ऑन द मशीन यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑन द मशीन। देखो ऑन द मशीन तो क्या देगा? ऑन द मशीन इनपुट पावर देगा। ठीक है, हमने इनपुट पावर की जगह पर रखा, ये इनपुट पावर कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि आउटपुट पावर की जगह पर हमें 1200 लिख देना है, बाय द मशीन है ना, और टाइम कितना है? 4 सेकेंड है। तो 0048 और ये हो जाएगा इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।